गुड मॉर्निंग। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कैसे हमने आर्टिकल की फॉर्मेटिंग की थी। इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि किस तरह से हम मेन्यूज़ बनाते हैं। पर्टिकुलर किसी आर्टिकल को हम किसी मेन्यू के अंदर में असाइन करेंगे या फिर हम पूरी एक ब्लॉक कैटेगरी बनाएंगे इस ट्यूटोरियल में। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने बैकएंड पर जाता हूँ और बैकएंड पर जाने के बाद अगर मैं अपने आर्टिकल मैनेजर में जाकर देखूँ तो मैंने अभी कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। वैसे आर्टिकल बनाना आप लोगों को आई होप आता ही होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सर्विसेज वाला आर्टिकल अब सर्विसेज कैटेगरी में जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कैटेगरी बनाई और इस आर्टिकल को सर्विसेज कैटेगरी के अंडर में डाल दिया। सेम एज़ अगर मैं अबाउट अस वाले आर्टिकल को देखूं तो अबाउट अस वाला आर्टिकल जो है अबाउट अस कैटेगरी के अंदर जा रहा है। और इसके अलावा मैंने एक चौथी कैटेगरी बनाई ब्लॉग नाम की और वहाँ पर मैंने कुछ चार आर्टिकल उस ब्लॉग के अंदर डाल दिए। ओके, तो अब देखते हैं कि मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना, जैसे आपको जाना है मेन्यू। मेन्यू में आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट में बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं। टॉप मेन्यू, मेन मेन्यू, साइड मेन्यू, फुटर मेन्यू, बॉटम मेन्यू। ओके, इतने सारे मेन्यूज़, पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा मेन्यू कहाँ डालना है? कुछ नहीं है यार, बहुत इजी काम है। जैसे मान लीजिए अभी मेरा मेन्यू यहाँ पे है। ओके, तो मैं इसे कहूँगा साइड बार मेन्यू। अगर मेरा यहाँ पे मेन्यू है तो मैं इसे कहूँगा टॉप बार मेन्यू। अगर यहाँ पे मेरा मेन मेन्यू है तो मैं इसे यहाँ कहूँगा मेन मेन्यू। और अगर यहाँ पे बॉटम पे है या फिर फुटर पे है तो बेसिकली जिस भी पोजीशन पे आपका मेन्यू है आप उसी हिसाब से अपना नाम रख देते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अभी मेरे पास मेरा जो मेन्यू है वो साइड बार में है, तो फिलहाल इसे यहीं पर करते हैं और बाद में हम इसे, जैसे ही हमारा मेन्यू कंप्लीट हो जाएगा, हम इसे मेन मेन्यू पे लेकर आ जाएंगे। ओके, तो मेन्यू मैनेजर के अंदर जाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन मेन्यू, मैंने कहा मेन मेन्यू हमारा भाई साइड बार में कॉन्फ़िगर है। ऐसे ही आप बहुत सारे मेन्यूज़ बना सकते हैं, फुटर मेन्यू और टॉप मेन्यू, और उसके अंदर फिर अपने मेन्यू आइटम्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैं मेन मेन्यू के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे अगर ऐड न्यू मेन्यू आइटम करूँ तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेन्यू आइटम टाइप। मेन्यू आइटम टाइप मतलब मैं आपको बता रहा था अभी कि आप एक आर्टिकल से मेन्यू बना सकते हो, आप एक पूरी ब्लॉग कैटेगरी से मेन्यू बना सकते हो, आप एक्सटर्नल लिंक से मेन्यू बना सकते हो, सर्च से मेन्यू बना सकते हो या फिर किसी मॉड्यूल से मेन्यू बना सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो मैं फिलहाल अभी आर्टिकल से एक मेन्यू बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और मेरा टाइप जो है मैं सेलेक्ट करूँगा आर्टिकल, और आर्टिकल के अंदर भी मैं सेलेक्ट करूँगा सिंगल आर्टिकल। सिंगल आर्टिकल सेलेक्ट करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल आप सेलेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपने सिंगल आर्टिकल तो बोल दिया तो आपको एक आर्टिकल भी देना पड़ेगा। तो मैं अबाउट अस के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं अबाउट अस आर्टिकल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना टाइटल दूंगा अबाउट अस। और अबाउट अस टाइटल देने के बाद मेक श्योर कि आपका स्टेटस जो है पब्लिश्ड है और मेन्यू लोकेशन जो है वो मेन मेन्यू है, मेन्यू ये रूट आइटम है। ओके, और मेक श्योर कि डिफ़ॉल्ट पेज नहीं है वरना ये वाला पेज आपका फ्रंट पेज हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे जस्ट सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और अपने फ्रंट एंड पे जाकर देखता हूँ अपनी वेबसाइट को और अपनी वेबसाइट रीलोड करता हूँ तो मेरे पास एक नया आर्टिकल मेन्यू पेज आ चुका है अबाउट अस नाम से। और मैं इस अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो मैं अबाउट अस वाले पेज पर पहुँच जाता हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, सेम एज मैं यहाँ पे एक इसे सेव करता हूँ और यहीं से एक नया मेन्यू टाइप बनाता हूँ। और जैसे ही मैं एक नया मेन्यू टाइप बनाता हूँ, इस मेन्यू टाइप में मुझसे सबसे पहले वही टाइप पूछ रहा है कि आपका टाइप क्या है। तो मैंने सेम आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल, और सिंगल आर्टिकल के बाद अभी मुझसे पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल आप उठाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सर्विसेज आर्टिकल। ओके, और सर्विसेज आर्टिकल के बाद मैंने यहाँ पे अपना मेन्यू नेम जो दे दिया वो दे दिया सर्विसेज। और सर्विसेज देने के बाद वही मेक श्योर पब्लिश है, मेन्यू लोकेशन मेन मेन्यू है, पेरेंट आइटम रूट के अंदर है, और मैंने यहाँ से इसे सेव एंड क्लोज कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे होम, अबाउट अस और सर्विसेज। अगर मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो मैं सर्विसेज वाले पेज पर पहुँच जाता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, तो सीधे होम वाले पेज पे चलते हैं। अब मैंने कहा था कि हम अपने जो मेन्यू है उसे हम उसकी पोजीशन पे लाएंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा मेन मेन्यू जहाँ पे हो। तो इस थीम के अकॉर्डिंग इसमें एक मेन मेन्यू पोजीशन भी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन के अंदर मॉड्यूल मैनेजर। और मॉड्यूल मैनेजर के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मेन मेन्यू यहाँ पर है और मेन मेन्यू की जो पोजीशन है वो पोजीशन नंबर 7 है। तो मेन मेन्यू पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पर इसे मेक श्योर कि आप प्रोटो स्टार के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं इसकी जो पोजीशन है उसे नेविगेशन कर देता हूँ जो कि पोजीशन 1 है। और जैसे ही मैं इसे यहाँ सेव करता हूँ
ओके वाओ बूम, मेन्यूज़ ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, लेकिन अभी तक इसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं आया जैसा हम चाहते हैं। तो मुझे ये पता है कि ये वाली थीम जो है वो बूटस्ट्रैप में बनी है, और बूटस्ट्रैप की सीएसएस के कुछ स्टैंडर्ड्स मुझे पता है। तो मैं सीधा यहाँ पे ऑप्शंस में जाऊँगा, और ऑप्शंस के अंदर मेरे पास यहाँ एक एडवांस ऑप्शन है, और एडवांस ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेन्यू क्लास सफिक्स। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं डालना, मुझे यहाँ पे स्पेस और नेपल्स मुझे यहाँ पे डालना है। और जैसे ही मैं इसे यहाँ पे सेव करता हूँ और अपने फ्रंट एंड को जाके रीलोड करता हूँ, ओके वाह, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मेन्यूज़ अब बन चुके हैं मेन्यूज़ के तरीके से। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास अबाउट अस वाला पेज खुल के आ जाता है, सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सर्विसेज वाला पेज खुल के आ जाता है। ओके, तो अभी आपने देखा कि आर्टिकल से हम कैसे मेन्यूज़ बनाते हैं। अब हम मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी एक कैटेगरी जिसमें जो भी आर्टिकल हो वो पर्टिकुलर एक पेज पर असाइन हो जाए। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। मैं इसे यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। मैंने इससे पहले एक कैटेगरी बनाई थी ब्लॉग नाम से, और उसके अंदर कुछ चार पांच आर्टिकल्स मैंने असाइन किए थे। ओके, तो सीधे मेन्यू पे जाता हूँ। मेन मेन्यू के अंदर मैं एक ये मेन आइटम बना रहा हूँ, मेन्यू आइटम, और जैसे ही मैं ऐड न्यू मेन्यू आइटम करता हूँ तो वही मुझसे पूछता है कि आपका आइटम टाइप क्या है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं आर्टिकल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और आर्टिकल में मैं चाहता हूँ कि मैं कैटेगरी ब्लॉग चाह रहा हूँ बनाना। और अब ये पूछ लेगा कि आप कैटेगरी ब्लॉग तो बनाना चाह रहे हो लेकिन आप कौन सी कैटेगरी यहाँ पे शो करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं ब्लॉग कैटेगरी यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, और मैंने इसका नाम भी ब्लॉग ही रख दिया। ओके, और मेक श्योर मेन मेन्यू है, पब्लिश्ड है, मेन्यू रूट आइटम है, सो ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने इसे सेव किया, और जैसे ही मैंने इसे सेव किया अपने फ्रंट एंड पे अगर जाकर देखा हो तो ओके वाओ, मेरे पास एक चौथी चौथा मेन्यू आइटम आ गया ब्लॉग। अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ब्लॉग टू, ब्लॉग थ्री, ब्लॉग फाइव, ब्लॉग फोर, ओके वाओ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पहला वाला जो आर्टिकल है वो फुल विड्थ कवर कर रहा है, बाकी के आर्टिकल जो हैं आधी आधी विड्थ कवर कर रहे हैं। तो मुझे इसके साथ खेलना है, मुझे देखना है कि ये क्या है और कैसे मैं अपने हिसाब से इसे कॉन्फिगर कर सकता हूँ। तो ये जो पहला आर्टिकल आप देख रहे हैं जिसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसे हम कहते हैं लीडिंग आर्टिकल। ओके, तो आप जितने चाहे उतने लीडिंग आर्टिकल डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो तीन आर्टिकल आप देख रहे हैं जो कि दो कॉलम्स में डिवाइडेड है, इसे हम कहते हैं इंट्रो आर्टिकल। ओके, तो देखते हैं इसकी सेटिंग। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना है, सॉरी, ला 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 ना, आपको एडवांस ऑप्शन में जाना है और ब्लॉग लेआउट ऑप्शन में आपको जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लीडिंग आर्टिकल्स आपको कितने चाहिए, आप यहाँ पे नंबर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे टू डिफाइन कर देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं ब्लॉग टू और ब्लॉग थ्री अब हमारे लीडिंग आर्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो अब अगर मुझे मान लो चाहता हूँ कि मैं मुझे लीडिंग आर्टिकल कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सारे इंट्रो आर्टिकल्स ही हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा ब्लॉग लेआउट ऑप्शन पे, और लीडिंग आर्टिकल्स को मुझे करना पड़ेगा ज़ीरो, और इंट्रो आर्टिकल्स मैं कर देता हूँ जितने भी आप चाहें उतने कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप जितने जितने आर्टिकल्स डालते जा रहे हैं अपने इंट्रो आर्टिकल्स की, आप यहाँ पे जो क्वांटिटी वो बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया 75। ओके, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे, चलो मैं अभी इसको यहीं से सेव कर देता हूँ और देखता हूँ कि मेरे फ्रंट एंड पे क्या फ़र्क पड़ा। जैसे मैं अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे यहाँ पे जो इंट्रो आर्टिकल्स हैं वो दो कॉलम्स में डिवाइडेड हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसे तीन कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करना, एडवांस ऑप्शन में जाना है, ब्लॉग लेआउट ऑप्शन में जाना है। उसके बाद मेरे को ये पूछ रहा है कि आप कितने कॉलम्स में इंट्रो आर्टिकल को डिवाइड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे तीन कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो तीन कॉलम्स में डिवाइड हो चुके हैं, और ये कब तक चलेंगे, जब तक कि मेरे 75 आर्टिकल्स टोटल कंप्लीट नहीं हो जाते। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ला 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 कॉलम जो है वन कर देता हूँ। ओके, और मैं इसे सेव कर, मेक श्योर कि अपने लिंक्स वैसे कोई काम नहीं आती तो इसे आप ज़ीरो ही रखिएगा। ओके, और मैंने इसे सेव कर दिया, और जैसे ही मैं अपने ब्लॉग पे जाता हूँ और अपना पेज रीलोड करता हूँ, ओके वाओ, तो मैं कुछ ऐसा ही चाहता था। तो आपने सीखा कि आर्टिकल से कैसे हम मेन्यूज़ बनाएं और कैसे मेन्यू पोजीशंस चेंज करें। तो जैसे हम अभी बाद में हम थीम को कवर करेंगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा कि मॉड्यूल पोजीशंस क्या होती हैं, किस पोजीशन पे हमको कैसी चीज़ें डालनी है। ओके, तो थैंक यू, इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही, बाय।